रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। दुर्ग शहर के 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़ा हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, लेकिन प्राचीन धरोहर को सहेजने में हर बार की तरह इस बार भी शासन प्रशासन से चूक होते दिखाई दे रही है। जबकि आज भी यहां सैकड़ों युवा जवान सेहत बनाने पहुंचते हैं, लेकिन व्यवस्था के अभाव में केवल निराशा ही हाथ लगती है, जिसको लेकर युवाओं ने हनुमान व्यायामशाला के जीर्णोद्धार के लिए राशि आवंटन की मांग की गई। लेकिन दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और दुर्ग निगम प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। आज जैसे कि हम देख रहे हैं, ये जो अखाड़ा है जय हनुमान व्यायामशाला, ये न सिर्फ दुर्ग शहर का बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ का एक गौरव है, जो लगभग 110 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी ये संस्था है, जिसे नगर निगम दुर्ग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। और ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ से ऐसे नामी पहलवान प्रैक्टिस करके यहाँ से निकले हैं, और जिन्होंने दुर्ग शहर का नाम और इस अखाड़े का नाम रोशन किया है, जिसमें मुझे जहां तक याद आता है, ज्ञात है कि बहुत पुराने पहलवानों में से जब से 1979-80 से मैंने भी यहाँ प्रैक्टिस चालू की थी बचपने में अपने, शौकत पहलवान अनिल कश्यप जी, वीरेंद्र साहू जी, अर्जुन पहलवान, ऐसे और भी कई नामी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक इस अखाड़े से अपनी जो है वर्जिश चालू की और अपना नाम वहां तक पहुंचाया और उन्होंने पदक भी हासिल किया। मेरा नाम वीर राजशेखर राव है और मैं यहाँ पे अखाड़ा में व्यायामशाला में मैं कोच हूँ और मैं रेलवे में भी कार्यरत हूँ, रेलवे का भी कोच हूँ, पावर लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग। ये जय हनुमान व्यायामशाला जो है ये बहुत पुराना व्यायामशाला है और यहाँ पे जितने भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, इवन आप कह लें कि दुर्ग शहर के जितने भी टॉप मोस्ट खिलाड़ी हैं, ये जय हनुमान व्यायामशाला से ही उभर के वो जिले का, राज्य का और राष्ट्रीय स्तर में मेडल प्राप्त कर रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हाईटेक सुविधा नहीं है। इसकी जो है वो बच्चों को हमेशा खलती है, क्योंकि एक पावर लिफ्टिंग टेक्निकल गेम है, वेट लिफ्टिंग भी टेक्निकल गेम है, इवन बॉडी बिल्डिंग भी वो टेक्निकल गेम है। तो पूरे बॉडी पार्ट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं, तो इससे संबंधित प्रशासनिक मदद हमने मांगी है लेकिन वो आज तक कभी फुलफिल नहीं हो पाई है। इससे पहले आप लोगों का स्वागत करते हैं हनुमान व्यायामशाला दुर्ग में, और आप लोगों के माध्यम से जो सूचना जाएगा शासन को, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता। अभाव सर, यहाँ पे जैसे कि राशिकर सर, संतोषी मैडम और अपने तुलसी सर ने बताया कि 150 साल पुराना जो अखाड़ा है हमारा, ये छत्तीसगढ़ का धरोहर है, ये मतलब इतने साल हो गए 150 साल, उसके अभाव में, सामान के अभाव में अभी तक प्लेयर जो है हमारे पड़ महीना। इंटरनेशनल पावर लिफ्टर और बॉडी बिल्डर हूँ मैं, विगत 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पहले एक बॉडी बिल्डर, सॉरी बॉक्सिंग की हूँ, बॉक्सिंग में नेशनल खेल चुकी हूँ, फिर उसके बाद मैंने पावर लिफ्टिंग चालू किया। पावर लिफ्टिंग में 2005 में लगातार 2 मेडल के बाद मुझे 2005 में ही 2 से 3 महीने के अंदर में 2 अवार्ड मिला, एक शहीद राजीव पांडे और गुंडा दूर। उसके बाद 2007 में मुझे रेलवे में जॉब मिला और अभी भी मैं कंटिन्यू हूँ, और अभी ही लास्ट मंथ ही मैं सीनियर नेशनल में 3rd मेडल लेकर आई हूँ। और कोच जितने भी हैं यहाँ के सारे बहुत अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं पूरा, लेकिन यहाँ सामान का बहुत अभाव है। जैसे शेखर भैया बताए, अपने सोनी सर बताए, हमारे यहाँ सामान का ही बहुत अभाव है। खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे संवाददाता ललित साहू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ललित, दुर्ग से एक खबर सामने आ रही है जहां 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़ा हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, लेकिन फिर भी अब तक राशि आवंटित नहीं की गई है। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि दुर्ग नगर निगम शहर के अंतर्गत ये हनुमान व्यायामशाला है जो जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, और इनको लेकर जो व्यायामशाला के जो पदाधिकारी हैं, कोच हैं, संरक्षक हैं, उनके द्वारा लगातार जो है अवगत कराया जा रहा है क्षेत्र के जो शहर के जो विधायक हैं उनको, महापौर को भी, और एक कोच ने बताया कि एक बार कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, उनके बाद भी
इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। खास बात यह है कि नए नए जिम का निर्माण लगातार जारी है, लेकिन 150 साल पुरानी जो प्राचीन व्यायामशाला है उनका संरक्षण बहुत जरूरी है, उनको बचा कर रखे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार भी प्राचीन धरोहर को बचाने के लिए लगातार विभाग के द्वारा खर्च कर रहे हैं, तो इनको भी सहेजना चाहिए। जिसको सहेजने में विधायक और महापौर जो है असफल साबित दिखाई दे रहे हैं। ललित, जानकारी में ये भी सामने आया है कि जो हनुमान व्यायामशाला के जीर्णोद्धार के लिए लगातार वहां के लोग कोशिश कर रहे हैं प्रशासन से बात करने की, और इसी दौरान विधायक, महापौर और कलेक्टर से भी बातचीत की गई, तो उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है इसके लिए? अभी तक ऐसा कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, हालांकि विधायक श्री अरुण वोरा जी है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं 15 लाख की स्वीकृति दे चुका हूँ, लेकिन 15 लाख की जो स्वीकृति दिए हैं वो उनके बारे में हो सकता है वो दिए हैं तो वो फंड कहाँ रिलीज हुआ, कहाँ पहुंच पाया, और व्यायामशाला के जो कोच परिवार हैं उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो ये काफी गंभीर विषय है। पर जब इस मामले में पदाधिकारियों से भी बात की गई वही अखाड़े की, तो उनका कहने का मतलब सीधा है कि जब विधायक से हमने मांग की गई तो विधायक ने कहा कि 15 लाख रुपए दिए गए हैं, लेकिन पदाधिकारियों का कहना है कि 15 लाख तो दूर की बात है, 15,000 तक विधायक के द्वारा राशि आवंटित नहीं की गई है। जी, यही मैं आपको अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि जो राशि दिए हैं तो राशि मतलब पता तो चलना चाहिए कि कहाँ पहुंचे है राशि। तो फिलहाल युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की मांग है कि वहाँ के जो युवाएं हैं, जब हम समाचार फाइल किए तो वहाँ के जो युवाएं हैं कबाड़ से जुगाड़ बनाकर व्यायामशाला को चला रहे हैं जी। जैसे कि कबाड़ी से जो मोटर पार्ट्स के जो कुछ पार्ट्स हैं उनसे कबाड़ से जुगाड़ बनाकर व्यायामशाला चला रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है नए नए जिम निर्माण कर रहे हैं जी। ये जो पुरानी प्राचीन जो धरोहर है जी, उनको भी ध्यान दे, ऐसा क्षेत्र के लोगों का मांग है, शहर के लोगों का मांग जी। अगर हम बात करें हनुमान व्यायामशाला की, तो वहां पर क्या क्या अव्यवस्था है और क्या क्या मांग की जा रही है युवाओं के द्वारा? युवाओं के द्वारा सबसे पहले तो सामग्री की मांग है जी, व्यायाम करने के लिए जैसे कि अत्याधुनिक मशीन कई जगह हम देखते हैं जी, तो वहाँ व्यायाम करने के लिए मशीन नहीं है, और जो युवाएं हैं उनके लिए अच्छे से जगह नहीं है, जो छोटी जगह है जी, और उसमें जो है काफी युवा आते हैं, आज भी वहाँ आने को जो युवा हैं उत्सुक रहते हैं। जिस दिन हम लोग समाचार फाइल करने गए थे लगभग 25 से 30 युवाएं वहाँ व्यायाम करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो अव्यवस्था इस प्रकार से है। विशेष बात यह है कि जो वहाँ प्रसाधन का समय नहीं है, जैसे वॉशरूम का वहाँ सुविधा नहीं है, जैसे वहाँ से कई, तो कुल मिलाकर ललित देखा जाए तो वहाँ पर अव्यवस्थाएं लगातार है, और इसी के चलते शासन प्रशासन से युवा मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो इसी खबर पर और भी चर्चा के लिए हमारे साथ में हनुमान व्यायामशाला के कोच बी राजेश्वर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। मैम, थैंक यू वेरी मच जी। ये खबर दुर्ग से सामने आ रही है जहां पर 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़े हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि शासन से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी मांग पूरी क्यों नहीं की जा रही है? मैम, एक्चुअल में शासन को हमने बहुत बार लेटर लिखा है जी, और जिस स्तर पे उस पे वर्क होना चाहिए उस स्तर पे हो नहीं रहा है जी, क्योंकि मैम वो उस जगह पे नेशनल से लेके इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ से बन के निकल रहे हैं जी, लेकिन मैम बड़े अभाव के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ पे किसी प्रकार के भी अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है जी, वहाँ के जूनियर सीनियर और महिला पुरुष सभी को नीड है उस इक्विपमेंट की जी, वहाँ पे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, देन कुश्ती से भी रिलेटेड जी। तो मेरा निवेदन है सभी प्रशासनिक और राजनीतिक जितने भी हमारे दुर्ग शहर से जुड़े हुए हैं कि अगर संभवतः हो सके तो जय हनुमान व्यायामशाला का जीर्णोद्धार वो करे,
जिस तरीके से भी हो। जी राजेश्वर जी, जैसा कि आपके द्वारा बात की गई जब विधायक से, तो उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जानकारी में ये सामने आ रहा है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया था और उसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम इसकी जानकारी तो हम लोगों को अभी तक है नहीं कि कितना पैसा सैंक्शन हुआ है। एक हमारे जो पार्षद है उनसे बात हुई, उन्होंने बोला है कि प्लेटफॉर्म होता है जी, एक्सरसाइज होती है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर में बच्चे वेट लिफ्टिंग का और डेडलिप और स्क्वाट का करते हैं, वो वेट लिफ्टिंग का प्लेटफॉर्म सैंक्शन हुआ है और वो बन रहा है, बट वो अभी तक कुछ हमारे व्यायामशाला में अभी तक आया नहीं है मैम। जी आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, कि क्या कारण है वो। जी तो आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या जीर्णोद्धार के लिए क्या क्या मांगे हैं आपके द्वारा, पैसों के साथ साथ कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए? मैम एक्चुअल में मैं बताऊं आपको जानकारी में, वहां पे पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड पूरे गेम्स होते हैं और वहां के जो सीनियर हो गए हैं, जूनियर सभी बच्चे जो हैं वो इवन मास्टर्स वो नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं। जी तो आप देखेंगे कि जितने भी हाईटेक जिम होते हैं जी, जिसमें भी हर प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं, अगर आप स्क्वाट मार रहे हैं तो थाई से रिलेटेड जितने भी एडिशनल एक्सरसाइज के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो, देन अगर आप वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं तो वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लींजर करने के बाद भी अगर आपको एडिशनल एक्सरसाइज करने हैं शोल्डर्स के, थाई के, तो वो इक्विपमेंट की बहुत कमी है मैम। जी देन बहुत सारे ऐसे जैसे हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है जी, जो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म होता है 8x8 साइज का वो हमारे पास नहीं है। अगर आप व्यायामशाला का प्लेटफॉर्म अगर आप आज की स्थिति में देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा डैमेज है जी, तो इसका अभाव बच्चों को बहुत रहता है मैम, और उसमें चोट लगने की भी डर रहती है क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म पे अगर किसी प्रकार के बच्चों को इंजर्ड हो गए स्क्वाट मारते समय या डेडलिफ्ट करते समय तो डायरेक्ट उनके बॉडी पे इफेक्ट होता है। जी बिल्कुल राजेश्वर जी, सीधी सी बात है कि जब युवा देश के साथ साथ विदेश में भी जाकर देश का नाम रोशन करते हैं तो ऐसे में कई सामानों की उन्हें जरूरत पड़ती है, ऐसे में शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें जो सामान उन्हें चाहिए खिलाड़ी के लिए उसके उसे उन्हें दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां शहर के 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़ा हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। बता दें कि प्राचीन धरोहर को सहेजने में हर बार की तरह इस बार भी शासन प्रशासन से चूक होते दिखाई दे रही है, जबकि आज भी यहां सैकड़ों युवा जवान सेहत बनाने पहुंचते हैं लेकिन व्यवस्था के अभाव में केवल निराशा ही हाथ लगती है, जिसको लेकर युवाओं ने हनुमान व्यायामशाला के जीर्णोद्धार के लिए राशि आवंटन की मांग की गई। लेकिन दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और दुर्ग निगम महापौर के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही यहां पर दिया गया है, तो जिसके चलते युवाओं को कबाड़ से जुगाड़ के चलते अब ये प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, जो कि तो इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे लगातार जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता ललित शाहू। ललित, जैसा कि हमने सुना कि युवाओं को इस अखाड़े में कबाड़ से जुगाड़ करना पड़ रहा है, जो कि काफी परेशानी वाली बात है। जी निश्चित तौर पर, मैं पहले भी बताया कि परेशानियों का सबब है और लगातार जो वहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं इस चीज को लेकर, लेकिन जवाबदेही जो जनप्रतिनिधि है वो जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि शहरों पे कई जिम का निर्माण शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और जब उन नए जिम का निर्माण किया जा रहा है तो फिर जो पुराने धरोहर है उनको भी सहजना जरूरी है, ये समझता हूँ। ललित, जैसा कि देखा जाए कि पदाधिकारियों के द्वारा तो लगातार विधायक से बात की गई, मांग की गई, लेकिन आपकी ओर से कोई कोशिश की गई, आपने विधायक से बात करने की कोशिश की, अगर की है तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा विधायक अरुण वोरा से बातचीत की जा रही है, उनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। जी वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो उस व्यायामशाला के जो संरक्षक है तुलसी सोनी जी, उनका भी मैं नंबर फाइल किया था, एक बार उनको भी जोड़ लेते तो वो भी और डिटेल आपको बता पाते, तुलसी सोनी जी। ललित, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। तुलसी सोनी जी का जी, हेलो जी ललित जी, आपने विधायक से बात की तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आपको, मैं समाचार फाइल किया तो चैनल पे भेजा हूँ बाइट, तो उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए की स्वीकृति वो
दे चुके हैं और जल्द ही उस पर कार्य होगा और जरूरत पड़ने पर और राशि दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ललित, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां शहर के 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़ा हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। बता दें कि प्राचीन धरोहर को सहेजना शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य भी होता है, लेकिन यहां पर शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जा रही युवाओं की। ऐसे में युवा कबाड़ से जुगाड़ करके जो सामान का अभाव है उसे पूरा कर रहे हैं और उसी के साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में साधना न्यूज प्रतिनिधि हमित खान जुड़ चुके हैं। हमित, ये खबर सामने आ रही है दुर्ग से, जहां पर 150 साल पुराने हनुमान व्यायामशाला जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। जी मैडम, बताना चाहूंगा कि काफी एक सदी से भी ज्यादा पुराना ये व्यायामशाला है और काफी संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी और बच्चे शुरू से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। 10 साल 12 साल के बच्चे भी यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं और दर्जनों की संख्या में यहाँ से खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी निकले हैं। फिर भी जिस तरीके से इसे सहेजना चाहिए, नगर निगम दुर्ग कहें या प्रशासन कहें, वो सब तरह से लापरवाहियां इसमें दिखाई दी हैं। और मैं भी खुद काफी सालों से यहाँ पे आता जाता रहा हूँ, उसी जीर्ण हालत में, जर्जर हालत में ये अभी भी संचालित किया जा रहा है। जी हमें देखा जाए तो जो युवा है कबाड़ से जुगाड़ करके जो सामान का अभाव है उसकी पूर्ति करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई हानि हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि प्रशासन से लगातार मांग की जा रही है लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से यहाँ के सारे लोग खिलाड़ी जो जरूरत की पूर्ति उन लोगों की प्रशासन या निगम की तरफ से नहीं हो पाती तो वो लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके उन सारी चीजों को करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति होती है जिम्मेदारी प्रशासन की कोई लेने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे कोई प्रशासन रुख ही नहीं कर रहा, किसी प्रकार से निगम की कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। मैं आपको यही बताना चाहूंगा ये जो बिल्डिंग है ये सारी चीजें प्रॉपर्टी नगर निगम की ही है, पर जिस तरीके से रख रखाव का अभाव यहाँ पर हो रहा है, निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा रख रखाव की और एडवांस चीजों की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है मैडम। बिल्कुल हमित, एक चिंता का विषय होता है क्योंकि युवा ऐसे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि काफी चिंतित है। और वहीं पर अगर सरकार की जिम्मेदारी होती है, शासन की जिम्मेदारी होती है कि जो प्राचीन धरोहर है उसे सहेजना और उसी के साथ ही उनका कर्तव्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमित तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग शहर के 150 साल पुराने प्राचीन अखाड़ा की, जो जहां पर लगातार वो जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।